देखिए, बिना रुके पानी की रफ्तार के साथ कुछ ही देर में ये कार आंखों से ओझल हो जाती है। अरे शिट। न सिर्फ कार, सामानों से लदा टेम्पो भी पानी के बहाव के सामने टिक नहीं पाता। कहीं कार बह रही थी तो कहीं कार की जल समाधि हो गई। अब फ्लाईओवर से झरने की तरह बहते पानी की तस्वीरों को देखिए। बारिश के पानी से जान बचाने के लिए लोग फ्लाईओवर के नीचे छिपे हैं, लेकिन बारिश के पानी ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। शहर के कोने कोने से बहती और डूबी हुई कारों की तस्वीरें सामने आई तो लोगों के दिल सहम गए। अरे अरे यो यो यो। बारिश के पानी में बहते चार पहिया वाहनों का ये हाल था तो दो पहिया वाहन कहाँ टिकने वाले थे। पानी के तेज बहाव में स्कूटर और मोटरसाइकिल भी बहने लगे। इन दो पहिया वाहनों के साथ साथ इंसान भी बहने लगे। हैदराबाद में 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूब गया। जहां नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और इस पानी के आगे लोगों की बेबसी साफ दिखाई दे रही है। अब आपको सड़क के बीच में बने एक चौराहे का हाल दिखाते हैं। इस चौराहे के आसपास काफी मकान और दुकानें हैं। बारिश के पानी में पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। पास ही एक मस्जिद भी है, वो भी पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। न सिर्फ चौराहे, पूरा शहर एक जैसा दिख रहा था। हर गली, हर मोहल्ला पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। हर मकान, हर दुकान बाढ़ की जद में दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों तक में पानी भर गया है। पानी में लोगों के सामान डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर झरने की तरह तेज रफ्तार से बहता पानी इस बात का एहसास करा रहा है कि यह शहर में टापू बन गया है। ये 6 तस्वीरें भी काफी नहीं है हैदराबाद में बारिश के बाद पैदा हुए हालात को बताने के लिए। 24 घंटे में हुई जोरदार बारिश ने हैदराबाद के लोगों की नींद उड़ा दी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में जान कैसे बचाएं। अब इस पुल के नीचे भरे पानी और इन तस्वीरों के पीछे से आती आवाजों को सुनिए। हैदराबाद में सबसे ज्यादा बारिश एलबी नगर में हुई है, जहां 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन से बाढ़ के हालात पर रिपोर्ट मांगी है तो एसडीआरएफ की टीम शहर में घूम घूम कर लोगों का रेस्क्यू कर रही है। अगर किसी को मकान से निकलना है तो आवाज दे। रेस्क्यू टीम नाव लेकर लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी है। लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की जा रही है।